दोस्तों आज हम इस वीडियो में लैंगस्टोन हिच की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन को डिस्कस करेंगे। इसका दोस्तों बहुत ही रिक्वेस्ट आ रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर वीडियो करूँगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को दबाइए और उसके बाद ऑल ऑप्शन को दबाइए। इसके द्वारा मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों ये जो पोएम है बहुत ही लंबा पोएम है और इसको एक वीडियो में कंप्लीट करना संभव नहीं होगा तो मैं दो वीडियो में कंप्लीट करूँगा। ये फर्स्ट वीडियो है, पार्ट वन है, और पार्ट टू में मैं कंप्लीट जो ये पोएम है इसको कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड है क्या। दोस्तों क्या होता है कि अगर हम लैंगस्टोन ह्यूज की कोई भी पोएम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने हर पोएम में जो अमेरिकन जो लोग है वो एक नेग्रो थे, तो अमेरिकन लोगों के द्वारा जो अफ्रीकन अमेरिकन जो नेग्रो थे उनके ऊपर किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, टॉर्चर किया होता था क्योंकि वो लोग ब्लैक थे और उनके स्किन कलर के द्वारा उनकी मजाक उड़ाया होता था और वो हमेशा एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे। तो ये जो पोएम है दोस्तों लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन, इस पोएम में उन्होंने एक अमेरिका को ड्रीम किया है कि उनके लिए एक सपने का अमेरिका कैसा होना चाहिए और किस तरह से वो एक सपने एक अमेरिका को ड्रीम करते हैं क्योंकि वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन फेस किया उन्होंने। तो एक वो एक होप करते हैं कि फ्यूचर में जाकर वो एक ऐसे अमेरिका को देखें जो उनके लिए सेटिस्फाई होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं। लेट्स बिगिन। लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन, लेट इट बी द ड्रीम इट यूज टू बी। यहाँ पे दोस्तों लैंगस्टोन ह्यूज उस अमेरिका को ड्रीम कर रहे हैं जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई टॉर्चर नहीं था, तो वो उस तरीके के अमेरिका को वो सपना देख रहे हैं कि अभी का जो अमेरिका है जो जिस टाइम पर जो वाइट अमेरिकन है जो और अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर वो टॉर्चर करते थे उस अमेरिका को वो ड्रीम नहीं करते। लेट इट बी द ड्रीम इट यूज टू बी, और ये हर किसी का ड्रीम है, हर अफ्रीकन अमेरिकन का ड्रीम है कि एक ऐसा अमेरिका हो जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई टॉर्चर ना हो और सब मिलजुल कर रहे। लेट इट बी द पायोनियर ऑन द प्लेन सीकिंग ए होम वेयर ही हिमसेल्फ फ्री, और उस तरह से अमेरिका को वो चाहते थे जो अमेरिका फ्री हो जहाँ पे कोई टॉर्चर ना हो। लेट अमेरिका बी द ड्रीम, द ड्रीमर्स ड्रीम, और ये हर किसी का ड्रीम है, हर अफ्रीकन अमेरिकन का ड्रीम है कि उनके ऊपर टॉर्चर ना किया जाए और वाइट और ब्लैक पीपल साथ मिलकर रहे। लेट इट बी दैट ग्रेट स्ट्रॉन्ग लैंड ऑफ लव वेयर नेवर किंग कैन बी नॉर टाइट्रेंट, मतलब एक ऐसा अमेरिका वो चाहते थे जहाँ पर लव हो, जहाँ पर लव हो और हैप्पीनेस हो, जहाँ पर कोई कंस्पिरेसी ना हो कि किस तरह से टॉर्चर किया जाए, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, कोई कंस्पिरेसी ना हो और एक लव का लैंड हो। दैट एनी मैन बी कर्श बाय द अबव, और वहाँ पे कोई ऐसा ना हो जो ये सोचे कि कैसे एक दूसरे को डिस्ट्रॉय किया जाए, एक दूसरे को टॉर्चर किया जाए, एक हैप्पीनेस लैंड हो। ओ लेट माय लैंड बी द लैंड वेयर लिबर्टी इट्स क्राउंड विथ नो फॉल्स पेट्रियोटिक ब्रॉथ, और एक ऐसा अमेरिका होना चाहिए जहाँ पे लिबर्टी हो, जहाँ पे इंडिपेंडेंस हो और हर कोई अपने तरीके से जिए, और वो अमेरिका में कोई फॉल्स कुछ ना हो, कोई फॉल्स पेट्रियाटिक फूलों का हार ना हो। मतलब अगर कोई भी किंग चूज करके आ रहा है तो वो फूलों के हार से ना आए, वो एक लव से आए, वो एक पेशेंस से आए। बट अपॉर्चुनिटी इज़ रियल एंड लाइफ इज़ फ्री, और वो अमेरिका वो चाहते हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो कि वो कैसे अपने जीवन को सक्सेस में ला सके, और जहाँ पर हर किसी का लाइफ फ्री हो, हर कोई अपना इच्छा से जी सके। इक्वलिटी इज़ इन द एयर वी ब्रेथ, और जहाँ पे इक्वलिटी हो, हर किसी को इक्वलिटी मिले और सब मिलजुल कर रहे, कोई टॉर्चर ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। देयर इज़ नेवर बीन इक्वलिटी फॉर मी। यहाँ पे दोस्तों लैंगस्टोन ह्यूज अपने पास्ट की बात कर रहा है कि वो पास्ट की बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने जिस अमेरिका को देखा है वहाँ पर कोई भी इक्वलिटी नहीं था, ओनली टॉर्चर था, वाइट अमेरिकन के द्वारा अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर हमेशा टॉर्चर उन्होंने देखा है क्योंकि वो खुद विक्टिम है। नॉट फ्रीडम इज दिस होम लैंड ऑफ फ्री, और वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं था, उनके ऊपर हमेशा टॉर्चर किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था कि वो हमेशा अंडर कंट्रोल में रहे अमेरिकन के। आई एम द पुअर वाइट फूल एंड पश अपार्ट, यहाँ पे दोस्तों वो अपने खुद के दुख को प्रकाश कर रहे हैं कि वो एक पुअर है, मतलब वो एक गरीब है, वो फूल है, मतलब वो इतने कुछ जानते नहीं है, वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है,
इसीलिए उनको हमेशा इग्नोर किया जाता था। यहाँ पर दोस्तों वो अपनी खुद की बात नहीं कर रहे, वो उनकी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि उनके कलर की वजह से, उनकी फुलिशनेस की वजह से वो पुअर है, इसलिए उनको हमेशा, उन लोगों को हमेशा इग्नोर किया जाता है वाइट पीपल के द्वारा। आई एम द नेग्रो बियरिंग स्लेवरी स्लेयर, और हम लोग सिर्फ नेग्रो है, हमारा काम है सिर्फ स्लेवरी करना, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं, हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं है इस अमेरिका में। आई एम द रेड मैन ड्राइवन फ्रॉम द लैंड, और मैं एक रेड मैन हूँ। दोस्तों रेड मैन का मतलब है कि वो लोग सिर्फ लेबर का काम करने के लिए बने हैं, उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है और उनका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे दोस्तों लैंगस्ट्रॉन्ग ह्यूज अपना खुद का जो दुख है वो प्रकाश कर रहे हैं कि किस तरह से उनको यूज़ किया जाता था, उनको उनके द्वारा काम करना किया जाता था, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, ओनली लेबर एज ए लेबर उनको ट्रीट किया जाता था। आई एम द इमिग्रेंट टचिंग द होप आई सीक एंड फाइंडिंग ओनली द सेम ओल्ड स्टूपिड प्लान ऑफ डॉग इट डॉग ऑफ माइटी क्रश द वीक। और हम लोग इमिग्रेंट हैं, मतलब दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर लैंगस्ट्रॉन्ग की अपने बात कर रहे हैं कि हम लोग को हमेशा ऐसे ट्रीट किया गया था कि हम लोग इमिग्रेंट हैं, हम इस देश के ही नहीं हैं, और हमारे एक ही काम में हम स्लेवरी करना, लेबर करना। लेकिन दोस्तों फिर भी उनका एक होप था कि वो एक फाइंड एंड फाइंडिंग ओनली द सेम ओल्ड स्टूपिड प्लान, लेकिन फिर भी दोस्तों उनका होप था, उनका आशा था कि वो कुछ करेंगे। आई एम द यंग मैन फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड होप टेंगल्ड इन दैट एंशियंट एंडलेस चेन। मैं एक यंग मैन हूँ, मतलब यहाँ पे दोस्तों लैंगस्ट्रॉन्ग ह्यूज अपना बात कर रहे हैं कि वो एक यंग मैन है, उनके जो मन है, उनका जो हार्ट है वो फुल ऑफ स्ट्रेंथ में भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना टॉर्चर संभाला है, इतनी टॉर्चर उन्होंने फील किया, लेकिन फिर भी उनका जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी जीवित है, लाइफ है। एंड होप टेंगल्ड इन दैट एंशियंट एंडलेस चेन, एंड फिर भी उनके अंदर एक एंशियंट एक चेन है, मतलब एक प्राचीन एक इच्छा है कि वो कभी ना कभी फ्रीडम पाएंगे। टेंगल इन दैट एंशियंट एंडलेस चेन ऑफ प्रॉफिट ऑफ पावर ऑफ गेन ऑफ ग्रैब द लैंड, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक इच्छा है कि वो कभी ना कभी इंडिपेंडेंस उनको मिलेगा और उनको प्रॉफिट मिलेगा, पावर मिलेगा, गेन मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा इस अमेरिका में। ये दोस्तों वो सपना देख रहे हैं, ठीक है, मतलब एक विश कर रहे हैं कि अभी हम डिस्क्रिमिनेशन फेस कर, लेकिन एक ना एक दिन हमें भी सम्मान मिलेगा। ऑफ ग्रैब द गोल्ड द वे ऑफ सेटिस्फेक्शन नीड, और तब हमें सब कुछ मिलेगा, हमें सेटिस्फेक्शन, हम अपना नीड को भी सेटिस्फाइड कर पाएंगे। ऑफ वर्क द मैन ऑफ टेक द पे ऑफ वोइंग एवरी थिंग फॉर वंस ओनली, तब हम खुद के लिए कुछ कर पाएंगे और हम अपने लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। दोस्तों ये इतना ही है आज इस वीडियो में, हम इतने डिस्कस करेंगे, आशा करता हूँ आपको पोएम समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट जो पोएम का जो जितने भी रिविंग पार्ट है वो कम्प्लीट कर देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय, अच्छे स्वस्थ रहिए।